हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अब आज है 8th of September और टाइम हुआ है अभी 10:15। सुबह का जो काम है वो सब मैंने कर लिया है। अभी ब्रेकफास्ट कर रही हूँ और वो भी आज अकेले, क्योंकि हस्बैंड नहीं है, वो ऑफिशियल काम से बाहर गए हैं। आज आएंगे, कल ही गए थे, आज आ जाएंगे। और मैं ज़्यादा खुश और एक रीज़न से भी हूँ, क्योंकि आज उनके साथ मेरी मम्मी और मेरी बेटी भी आ रही है। और अभी मैं जाऊँगी थोड़ा बाहर इसलिए जाऊँगी क्योंकि बहुत दिन हो गया, मैंने अपने आप को थोड़ा सा भी पैम्पर नहीं किया। बहुत दिन क्या, मोर देन वन ईयर भी बोल सकती हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने हेयर कट थोड़ा सा घर में ही अपने आप कर लिया था, जाना ही नहीं हो रहा है। कल जाऊँगी सोचा था, तो कल सारा दिन बारिश, निकलने को मन नहीं किया। और आज है तो आज इतना कड़क धूप, वो भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी आज मुझे जाना ही पड़ेगा। इसका और एक भी रीज़न है, पार्लर इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आज नहीं जाऊंगी तो कल चली जाऊंगी, परसों चली जाऊंगी, उसके लिए नहीं। लेकिन इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि संडे हम लोगों का कोई सब्जी आया नहीं घर में, संडे हो गया था और कल तो हस्बैंड चले गए, इसलिए घर में अभी सब्जी नहीं है। लंच का तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, लंच जो है उससे हो जाएगा। और मैं अकेले रहने से ना इतना कुछ करती भी नहीं हूँ, जब मन करता है थोड़ा आलू फ्राई कर लेती हूँ या कुछ भी, ऑमलेट हो जाएगा। लेकिन मुझे डिनर तो बनाना पड़ेगा, इसके लिए मैं सोच रही हूँ एक बार से बाहर जाऊँगी पार्लर होके, ऑन द वे आते वक्त सब्जी लेके आ जाऊँगी। मम्मी और मेरी बेटी तो रुकेगी ऑलमोस्ट 1 month, क्योंकि अभी सब ऑनलाइन। मेरे कैमरे में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए वीडियो आप लोगों को शायद इतना अच्छा भी नहीं आ रहा है, और ऑडियो में भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक करना पड़ेगा। जो भी हो, मैं अभी ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ और ब्रेकफास्ट करके फिर रेडी किया, ड्रेस तो मैंने पहन लिया है, थोड़ा हेयर ठीक करके मैं निकलते वक्त आप लोगों से फिर से मिलूँगी। मैं हो चुकी हूँ रेडी, अभी मैं जा रही हूँ और आके बनाऊंगी खाना, वो भी डिनर के लिए। अभी जाऊंगी पार्लर होके, फिर आते वक्त थोड़ा सब्जी लेके आऊंगी। तो चलिए आप लोग भी मेरे टाइम ज़्यादा नहीं लगा। मैं 11:30 बजे निकली थी, अभी बजा है पूरा पक्का 1 बजा है और मैंने हेयर कट कर लिया है। अभी थोड़ा सा ज़्यादा तो काटा नहीं है, मेरे सामने ही काटा है इतना सा, लेकिन हेयर में ना क्या है, थोड़ा सा कट करने से लगता है कि बहुत छोटा हो गया, लेकिन ये पार्ट अच्छा लग रहा है ना।
मैं अपना हेयर कट हमेशा उससे ही करवाती हूँ, बहुत केयरिंग है और बहुत केयर लेके करती है। जैसे कि मेरा बहुत हेयर फॉल हो रहा है ना, इतना इतना हेयर फॉल मैंने आप लोगों को एक दिन बताया था, तो वो मुझे बहुत टिप्स देती रहती है, आप ये करो आप वो करो, तो बहुत अच्छी है वो। और बहुत अच्छा से काटा भी है, लेकिन लग रहा है कि लेंथ बहुत छोटा हो गया, ऐसा लग रहा है ना, पर मेरे सामने मैंने तो देखा ही है, इतना सा ही काटा है, लेकिन लग रहा है कि बहुत कट लिया है। कोई बात नहीं, लंबा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं फ्रेश हो जाती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। ये लोग आए, एक घंटा नहीं हुआ है, लेकिन आके इसको देखिए पढ़ने बैठ गए, क्योंकि कल इसका एग्ज़ाम है, ऑनलाइन एग्ज़ाम है कल, और आज सारा दिन तो पढ़ाई की नहीं होगी घर में, तो इसलिए आके खुद से ही बैठ गई है, हम लोगों ने कुछ बोला भी नहीं। अच्छा ही है, तो अभी थोड़ा कुछ खाने को दे देती हूँ मैं। तो अभी हम लोग पियेंगे चाय, सब लोग आ गए हैं, मैंने उसको भी हॉर्लिक्स दे दिया है, और अभी हम लोग पियेंगे चाय। टाइम भी हो चुका है, मम्मी लोग फ्रेश हो चुके हैं आके, और इसके साथ ही मैं आज का ये छोटू सा ब्लॉग यही पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग को अच्छा लगा है, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और कल परसों फिर मिलती हूँ और एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।